बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बी कॉम पार्ट टू ऑप्शनल पेपर में, एक ऑप्शनल पेपर हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस का है। उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिड्यूस की गई हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक है बैंकिंग डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ बैंक। अगर हम यहाँ रिड्यूस में आके देखें तो डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ बैंक हमारे पास मौजूद है। इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक, इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। फिर सोर्सेज ऑफ फंड्स, फीचर्स ऑफ करंट सेविंग एंड फिक्स अकाउंट्स एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारी की सारी चीज़ें, इसका मतलब है ये फर्स्ट जो टॉपिक है ये पूरे का पूरा आपका रिड्यूस सिलेबस में मौजूद है। बैंक लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, लोन्स एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, मॉर्गेज प्रिंसिपल्स, यानी ये वाला भी आपका कंप्लीट मौजूद है। इसमें से भी कोई भी चीज़ रिड्यूस नहीं की गई है। इस्लामिक बैंकिंग पे आ जाए, नेचर ऑफ रिबा, यूजरी एंड इंटरेस्ट। नेचर इस्लामिक बैंकिंग जो है वो ये वाला इन्होंने रिड्यूस में से निकाल दिया है। ये पूरा इस्लामिक बैंकिंग वाला जो है ये अब रिड्यूस में मौजूद नहीं है। इसके बाद आ जाएं आप सेंट्रल बैंकिंग में, इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, इस्लामिक बैंकिंग इन्होंने पूरा रिड्यूस कर दिया है। अच्छा, फिर सेंट्रल बैंकिंग है, नेचर ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, नेचर ऑब्जेक्ट्स फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक, गवर्नमेंट बैंकिंग एजेंट ऑफ कंट्रोल क्रेडिट। अब यहाँ इन्होंने एक नई चीज़ डाल दी। अब देखें, नेचर ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक तो है, लेकिन फिर यहाँ पर है एंड मैथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। वैसे भी क्रेडिट कंट्रोल की मेथड्स होते हैं, लेकिन बाकी ये देखें सारी चीज़ें, फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक में शायद आ जाए कि वो क्रेडिट कंट्रोल के क्या मेथड्स होते हैं। तो बहरहाल इन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया। यहाँ पर मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आपने सिर्फ देखना है, बाकी सारी चीज़ें आपने नहीं देखना। फिर हमारे पास फाइनेंस है, फाइनेंस में डेफिनेशन, काइंड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फंड्स, डेफिनेशन काइंड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फंड्स, और उसके बाद क्रेडिटर्स फंड एंड ओनर फंड, और उसके बाद है देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फिर है शॉर्ट इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, और शॉर्ट इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बाद इन्होंने ये यहाँ से एंड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पिकिक, ICP, NITA, DBP, इसको इन्होंने उड़ा दिया, रिड्यूस कर दिया, स्किप कर दिया। इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, कर्ज हसना नहीं है कंज्यूमर फाइनेंस में, ट्रेड फाइनेंस नहीं है, मार्कअप भी नहीं है, मुशारका से स्टार्ट हो रहा है, मुशारका परचेज ऑफ ट्रेड बिल्स भी नहीं है, बे सलाम ये मौजूद है आपका, लीजिंग हायर परचेज देख लेते हैं, लीजिंग भी हायर परचेज भी है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस।